वो पेशेंट जिनके बाल सिक्स मंथ से ज़्यादा अरसे अगर गिर रहे हो तो हम उसको क्रॉनिक की कैटेगरी में लाते हैं और अगर सिक्स मंथ से कम अरसे में वो गिरना स्टार्ट हुए तो फिर हम उसको एक्यूट कहते हैं इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसको हम इस तरह के कैटेगराइज कर दें कि वो बाल जो कि गिरे और उन्हें आपके हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो अब दोबारा कभी नहीं आएंगे और वो बाल जो कि अब दोबारा आएंगे उसमें आपके हेयर फॉलिकल प्रिजर्व है अब uh, सब सबसे पहले मैं आपको वजूहत बताऊँगी इसके बाद हम ट्रीटमेंट पर जाएंगे लेकिन इससे पहले मैं सबसे जो मेल में, में कामन वजह है एलोपेशिया उसको डिस्कस करूँगी उसके बाद हम बाकी वजुवाद पर जाएंगे सबसे कॉमन वजह जो मेल में है वो है एलोपेशिया जो कि अपने नाम से ज़ाहिर है एंड्रो का मतलब है आपके हारमोन जेनेटिक का मतलब है आपके जेनेटिक एक ऐसी बीमारी जो कि मोरोसी चल रही हो तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि ना हम आपके हार्मोन चेंज कर सकते हैं ना आपकी जेनेटिक एंटोजनेटिक एलोपेशिया में अगर एक दफ़ा आपके बाल गिर गए बाँने स्टार्ट हो गई है तो फिर आप जो है हेयर ट्रांसप्लांट पे जाएंगे मतलब आपने अब एक नई दीवार लगानी है अब ये बाल जो है वो हम कहाँ से लेते हैं आपके बैक के एरिया से लेकर आगे की तरफ लगा लेते हैं क्योंकि आपके पीछे के बाल जो है वो हार्मोन सेंसिटिव नहीं होते वो वहाँ पर आपके हार्मोन एक्ट नहीं करते उनको वीक नहीं बनाते तो इसीलिए हम पीछे से लेकर आगे लगा लेते हैं और ये इसका परमानेंट सल्यूशन है अब ये बाल इस बीमारी की वजह से नहीं गिरेंगे क्योंकि हारमोन इस पर अब असर नहीं करेंगे तो न, बात हम कर रहे थे कि किस तरह हमने इस दीवार को गिरने से बचाना है गिरने से हमने इस तरह बचाना है कि हमने इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है बाय डिफरेंट मोडलिटीज़ बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशंस। स्टार्ट हम ऐसे लेते हैं कि टॉपिकली uh, हम स्प्रे देते हैं जेल देते हैं या फिर औरल फॉर्म में टैबलेट्स देते हैं जो कि आपके स्केल uh, की सर्कुलेशन को बढ़ाता है आपके बालों को नरिश करता है और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इसके बाद हम प्रोसीजर्स uh, पर आते हैं जिनमें पी आर पी पी आर जी एफ एक्सों डिफेंट टाइप के हेयर ग्रोथ के सीरम्स आए हुए हैं जो कि हम इंजेक्ट करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के हेयर फैक्टर्स होते हैं जो कि हम हेयर फॉलिकल को देते हैं और इस तरह आपका हेयर फॉलिकल जो है वो मज़बूत हो जाता है हमारे पास पेशेंट आते हुए अक्सर पूछते हैं कि मेरे बाल बहुत अर्ली एज में गिरे हैं जबकि हमारी जो फैमिली हिस्ट्री है बाप या दादा की या मामों की उनके बाल तो बहुत लेट गिरे थे तो वजह क्या है अच्छा इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि बालों के गिरने के लिए एक ट्रिगरिंग फैक्टर का होना ज़रूरी है आपकी बॉडी जब अंडर स्ट्रेस जाएगी तब आपके बाल जो है वो गिरना स्टार्ट होते हैं लाइक एंटोजेनेटिक एलोपेशिया को भी इनिशिएट करने के लिए एक ट्रिगरिंग फैक्टर चाहिए होता है आ, हो सकता है वो वाला ट्रिगिंग फैक्टर जिसको हम कह सकते हैं कि बालों को गिरने का एक बहाना चाहिए होता है वो आपने अर्ली आया हो उन लोगों में लेट आया हो आ, उ, उस जमाने की न्यूट्रिशनल जो न्यूट्रिशन होती थी वो भी डिफरेंट होती थी हमारे आज के ज़माने में आजकल क्रैश डाइटिंग और ये सब चल रहा होता है तो हमारे अंदर कुछ आ, कमी भी हो जाती है इसके अलावा कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं एग्जाम चल रहे होते हैं जॉब नहीं मिली होती तो बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं जो कि आपके बालों को बहाना दे देते दे हैं कि बस आप गिरना स्टार्ट हो जाओ आ, तो सिंपल जो जवाब इस बात का वो ये है अब आते हैं बाकी वजुहाल की तरफ जिसमें हम हमने डिवाइड किया होता है एक्यूट क्रॉनिक में एक्यूट में पे जब पेशेंट हमारे पास आता है तो फिर हम हिस्ट्री uh, लेते हैं कि आपको कोई इलनेस तो नहीं हुई थी लाइक कोई साइकोलॉजिकल कोई फ़िजिकल स्ट्रेस में तो आप नहीं गए थे अगर आप को कोई वायरल इन्फेक्शन हुई हो लाइक कोविड या डेंगी या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई हो जिस तरह की मलेरिया या टाइफाइड होता है उसके बाद लाजमी बाल गिरते हैं या आप आ, को, कोई बड़ी सर्जरी के अंडर आप गए हो या प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी भी जो है उसको भी हम स्ट्रेस ही कंसिडर करते हैं उसके बाद उसके बाद जो बाल गिरते हैं लेकिन ये बाल दोबारा आते हैं ट्रीटमेंट से आ जाते हैं ख़ुद ब खुद आ जाते हैं थोड़ा वेट करना पड़ता है क्रॉनिक फ़ेज़ में जब पेशेंट क्रॉनिक बाल गिरने की हिस्ट्री देता है तो उसमें हम बेसिकली कुछ बीमारियाँ होती है उसको रूल आउट करने के लिए हम कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं थायराइड लेवल्स कराते हैं हम थायराइड अगर ऊपर नीचे हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा बाल गिराता है इसके अलावा फीमेल में जो कॉमन डिजीज़ है जिसको हम पी कहते हैं वो अगर उसकी हिस्ट्री हो तो फिर हम उसके टेस्ट कराते हैं कुछ कमी हम देखते हैं आपके ब्लड में वाइटामिन बी ट्वेल्व वाइटामिन डी फेराटिन लेवल अगर वो कम हो हैं तो फिर अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करते हैं और कुछ वजूहत होती हैं जैसे हम केमिकली वालों को ट्रीट कर रहे होते हैं फ्रिज फ्री करने के लिए हम रिबॉन्डिंग बोटॉक्स ट्रीटमेंट इस तरह कुछ कराते हैं वो केमिकल होते हैं वो हमारे बालों को वीक बनाते हैं इससे हमारे बाल गिरते हैं फंगल इन्फेक्शन होती है बच्चों में बहुत कॉमन होती है वो अगर हम टाइम पर ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर वो परमानेंट हेयर लॉस में चला जाता है और फिर उसको हम दोबारा नहीं ला सकते हैं। आ, एक और कॉमन वजह है जिसको हम बाल बाजट भी कहते हैं जिसको हम मेडिकल जबान में एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं उसमें बाल जो पैचेस की शक्ल में गिरते हैं उसको भी अर्ली ट्रीट करना होता है और उसकी वो जो है ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रिस्पांस दे भी देते हैं है और बाल वापस रिस्टोर हो जाते हैं लेकिन अगर आपने इसको ट्रीट करने में लेट कर दिया तो फिर वो आ, ना सिर्फ स्कैल्प के बाल पलकों के आईब्रो तो के और ऐसे ऐसे आपके पूरे जिंदगी बाल जो है उसमें गिर जाते हैं और वो पेशेंट जो है एक्सट्रीम एक कंडीशन में आ जाते हैं इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है Uh, uh, कुछ ऐसी ड्रग्स uh, होती हैं जो कि बालों के गिरने का सबब बनती है लाइक uh, like हम स्किन डिजीज़ को ट्रीट करते हैं एखनी के लिए हम कुछ ड्रग्स देते हैं सोरास uh, के लिए हम कुछ ड्रग्स देते हैं um, कुछ कीमोथेरेपी की ड्रग्स uh, होती है ब्लड uh, प्रेशर की ड्रग्स होती है इसके अलावा जो है एंटी डिप्रेसेंट कुछ लोग ले रहे होते हैं वो बालों के गिरने का सबब बनती है तो हिस्ट्री में हम लाजमी ये पूछते हैं कि आप कोई ड्रग तो नहीं ले रहे हैं ट्रीटमेंट uh, तो अकॉर्डिंग टू कॉज हम करते हैं uh, जो भी कॉज़ होती है उसको हम ट्रीट करते हैं इसके अलावा हम कुछ ग्रोथ फैक्टर्स के लिए प्रोसीजर्स करते हैं टॉपिकल दवाइयाँ देते हैं औरल दवाइयाँ देते हैं वो डिपेंड करता है कि आप क्या हिस्ट्री दे रहे हैं और एग्जामिनेशन पे हमें क्या मिल रहा है तो अगर आप इस तरह के किसी मसले में इन्वॉल्व हैं इसके अलावा स्किन uh, या नेल की किसी प्रॉब्लम में आप इन्वॉल्व है तो आप अपने करीबी डर्मोटॉजिट से रबाता कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप मुझसे रबा करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर या फिर ओला के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उसे राबा कर सकते हैं थैंक यू सो मच पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।